हूँ गंधर्व आचार्य और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कभी कभार हम घर में अटक जाते हैं और हमारे मम्मी पापा कहीं बाहर चले जाते हैं, या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और हमारे लिए खाना नहीं बना पाते, तो और हम छोटे भी हैं तो हम चाकू और आग का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में आज हम सीखेंगे गोल्ड फिंगर फ्राइम्स बनाना। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, और अगर आप बच्चे हैं तो आप टमाटर को क्रश करके और इस तरह से बारीक बारीक काट सकते हैं, और प्याज को भी आप छिलके उतार कर और ऐसे ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कटा हुआ नींबू और विभिन्न प्रकार की नमकीन। मेरे पास आलू भुजिया, भुजिया से और मिक्सचर नमकीन उपलब्ध थी, मैंने ये ले ली। इसके अलावा भी आप शिमला मिर्च, उबला हुआ आलू, पत्ता गोभी, मुरमुरे और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जो भी भेलपूरी में डलती है। उसके बाद हमें चाहिए आधा चम्मच चाट मसाला, चौथाई चम्मच नमक, टमाटर की सॉस और गोल्ड फिंगर फ्राइम्स। तो अब हम सीखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इन सबको एक जगह पर लाए और मिक्स कर लें। फिर इसमें दोनों प्रकार के मसाले डाल दें। थोड़ा नींबू निचोड़ दें। ध्यान रखें नींबू पूरा नहीं निचोड़ना है, बस दो तीन बूंदी डालना है। और थोड़ा टमाटर सॉस डाल दें। फिर इन्हें मिक्स कर लें अच्छे से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक फिंगर रोल फैन लें और इसमें एक तरफ से उंगली रख लें, फिर इसे इस प्रकार से भरना शुरू कर दें। अब इसे एक तरफ से बंद कर लें और थोड़ा भर लें। इसे ध्यान रखें इसे आधा ही भरना है, पूरा नहीं भरना। और जब ये आधा भर जाए तब इसे इस तरह से हिला लेना है जिससे स्वाद हर जगह पर इक्वली बढ़ जाए। देखिए अब हमारे मसाला गोल्ड फिंगर फ्राइम्स रेडी हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।